कोडरमा दुनिया चांद पर बसने के जुगाड़ में लगी है, वहीं अंधविश्वास का पीछा समाज के कुछ लोग आज तक भी नहीं छोड़ रहे। जी हाँ, झारखंड के कोडरमा जिला के मरकच्चो थाना क्षेत्र में एक अबला महिला के साथ ओझा बने पुरुष और उसकी सास द्वारा ऐसे ही ज्यादती करने का मामला प्रकाश में आया है, लेकिन पूरे मामले में पुलिस ने ओझा गुने के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि महिला ने ही कॉम्प्रोमाइज के लिए थाना में आवेदन दे दी। अभी जांच का विषय है कि महिला ने आवेदन स्वेच्छा से दिया या किसी दबाव में। आपको बता दें, झारखंड में डायन प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे मामले में पुलिस या चुप्पी ऐसे मामलों को बढ़ावा देने वालों के मनोबल को बढ़ा देता है और फिर ओझा गुनिये अपना दूसरा शिकार की तलाश में जुट जाते हैं। हालांकि कोर्ट का सख्त निर्देश है कि ऐसे मामलों में दोषी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन इस मामले में एक सप्ताह बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि मरकच्चो थाना क्षेत्र के ढूबाडीह गांव में रात के 12 बजे ससुराल वालों के सहयोग से महिला को नींद से जगाकर उसके हाथों में केमिकल डालकर हथेली को जलाया गया। उसके बाल काटे गए, उसके पैर और हाथ से खून निकाला गया। इतना ही नहीं, महिला के सिंगार रूपी सारे आभूषणों को खुलवाया गया, उसके शरीर पर पहने कपड़ों को खुलवाया गया। झाड़फूंक के लिए जब रात में ये सारे कार्य किए जा रहे थे, उस समय महिला का पति घर पर नहीं था, महिला अकेली थी, उसके सहयोग के लिए कोई नहीं था, जिस कारण महिला चाहकर विरोध नहीं कर सकी। पूरी घटना 24 मार्च की है, लेकिन महिला की हथेली जलने के कारण महिला अपने साथ हुई ज्यादती की सूचना थाना को 28 मार्च को दी, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने यह भी बताया, घर वालों के दबाव से मुझसे करने आवेदन पर भी साइन करवाया गया, जिसमें आपस में कॉम्प्रोमाइज करने का उल्लेख है। मैं पुलिस के वरीय अधिकारियों से मांग करती हूं कि मामले में मेरे साथ रात में जितनी यातना और डरा धमका कर ज्यादती की गई है, मैं काफी सहम गई हूं। हमें डायन कहकर प्रताड़ित किया गया, जो कहीं से उचित नहीं। इस मामले में मरकच्चो पुलिस ने जांच की बात कहकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। आइए सुनते हैं महिला की आवृत्ति, महिला की जुबानी। को सास उठाई हमको, बोली चलो वहाँ पे उठ के बैठना पड़ेगा तुमको। हम ठीक है, हम बैठने गए। फिर पूछा कि नहर तुम्हारा कहाँ है, हम बताएं कि नहर मेरा वहाँ पे है। उस समय भी कुछ नहीं बताया। फिर बोला वो अपना रूम से एगो सिक्का लेके आओ। फिर हम एगो रूम से सिक्का लेके आए, अपना बैठे, हाथ में अरवा चावल दिया, कसेली दिया और एक चीज़ क्या दिया हमको देखने वो नहीं दिया, लेकिन सास लोग को लौंग फूल और कसेली दिया था। उसके बाद में हाथ में हम जलने लगे, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलने दे रहा था। बार बार जब खोलने का कोशिश करते थे तो डांट देते थे कि नहीं, मुट्ठी नहीं खोलेगी, ना अरवा चावल एक ठो दाना गिरना चाहिए। फिर वो झाड़ फूक सबको किया, फिर हम पर सबसे पीछे किया, चारों घर पानी गिराया। फिर उसके बाद में हाथ में पानी दिया, उस समय भी मेरा हाथ में आग का जैसा बुझाया, फिर भी नहीं वो मुट्ठी हमको खोलने दिया कि एकदम नई मुट्ठी खोलने का है। फिर हम वो फिर झाड़ फूक किया, उसके बाद फिर आग में हाथ में पानी डालने बोला कि सबका हाथ में पानी डालो। तो फिर मेरा हाथ में भी दोनों हाथ में सबसे लास्ट में डाला गया, लास्ट में डाला, पूरा लहर गया। लहरने के बाद में हम छोड़ दिए गया, छोड़ दिए। उसके बाद में वो डांटा हमको कि बोल तुम देती है कि नहीं देती है। हम पूछे क्या दे, वो बोला जो हाथ में है सो दो। हम बोले ठीक है ले लीजिए, हाथ वाला सब ले लिया। उसके बाद फिर बोला कि तुम्हारे यहाँ भूत है। हम बोले किसके यहाँ, बोले तुम्हारा गोतिया यहाँ है। हम बोले नहीं जानते हैं हम। तो बोले नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें ही, तुम्हारे पास ही भूत है और तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा। सो तुमको साड़ी उड़ी सब देना है, जितना बदन में कपड़ा पहनी है सब तुमको उतार के देना है। हमको कोई दिमाग काम नहीं किया, हम बोले ठीक है। वो सारा कपड़ा ले लिया, फिर सारा श्रृंगार खुलवाया, चूड़ी उड़ी सब ले लिया। उसके बाद का बाल काटा, खून हाथ का पैर का लिया। उसके बाद में बोला, हमसे पूछा कि तुम साथ में खाती है या अलग खाती है। हम बोले साथ में खाते हैं। बोल तुम चूल्हे का छाय लाओ और अपना हाथ से नमक लेके आओ। फिर हम अपना छाय और नमक ले करके आए, उसको दिए। फिर मेरा हाथ से बोला अरवा चावल उठाओ। अरवा चावल उठाएं, ससुर को झाड़ने बोले। तो फिर हम ससुर को झाड़े, ससुर को झाड़ करके रखे। फिर अरवा चावल उठाने बोला, बोला ससुर का सिर पर रखो। सिर पर रखे, वो मुर्गी चराया। उसके बाद फिर हमको बैठने, फिर उसके बाद हमको बैठाया गया, बोलते तुम बैठो। फिर हम भी बैठे। फिर हमको घटना हुआ है, भक्तिया को ला करके मेरा हाथ जलाया गया है, बाल उल सब कटवाया गया है, खून पैर का हाथ का लिया है, शरीर का कपड़ा लिया है, सारा श्रृंगार खोल लिया है और सब चीज़ संगना मुर्गी
सब चढ़ाया गया है, ससुर पर, मेरा पर, और ये सब काम से इति होगा, और हमको भूत डायन का ठहराया गया है, और सारा चीज सब चीज किया गया है। पूरा मामला बताइए, हाथ नीचे कीजिए, पूरा मामला बताइए, कैसे क्या घटना हुआ। हाथ में सिक्का कसेली सब दे करके हाथ में जलाया गया है, पानी उनी दे करके अरवा चावल। कब की घटना है? घटना बीपे का है, 24 तारीख का रात को 12 बजे। हाँ बताइए आगे। और वही सब घटना बोले। हाँ कैसे क्या हुआ बताइए। वही 12 बजे रात को घटना हुआ है, उठाया गया था हमको रात को सोया में, उठ करके बैठाया गया, बैठे और सब चीज़ पूछा गया, तो डायन है की, तो भूत है की, तो घर से आयल हो, तो राशन सब दियल पड़ता, तो दवो ही कि ना दवो ही सब दियल पड़ता, खून बाल हाथ में, हाथ और हाथ जलाया गया है, और मुंह से पानी उगलवाया है, रसम भुतवाया है, नमक छाय सब हमसे मांगा गया है, पूछा गया अलग खाती है कि जोर खाती है, और ससुर पर भी चढ़ाया गया मुर्गा चंगनी, हम पर भी चढ़ाया, पोटरू धुलवाया, पोटरू का जूठा पानी पिलवाया, मुंह से उगलवाया, और रसम तसम सब भुतवाया, सारा कपड़ा उपड़ा लता लिया है, श्रृंगार पूरा लिया है, सब खोल खाल करके ले करके सारा चीज बांध उन करके लेके चला गया है। ओ तो ये काम चहनिया के द्वारा किया गया। हाँ चहनिया पप्पू का ससुर ले करके आए थे। पप्पू के, पप्पू कौन लगते हैं आपके? देवर लगते हैं। अच्छा अच्छा। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।